छोड़ेंगे ना हम, थोड़े लालची हो जाओ, मरते दम नहीं अगले जन्म तक, मरते दम नहीं अगले जन्म तक, अगले जन्म नहीं सात जन्म तक, अगले जन्म नहीं बाबा जन्म तक। ये भक्तों की भीड़, ये हुजूर, ये रौनक मेला देखने नहीं आया। इनको देखकर कोई कहीं घमंडी बैठ गया है कि देखता हूं इनका काम कौन करता है। और अगर आप भी इनका काम नहीं करोगे ना साहब, पकड़ लो बनवारी, नहीं तो एक बार गा दो, पकड़ लो लोग बोलते बोले आजकल कीर्तनों में काम नहीं बनता, वो बात ही नहीं आती, वो गारंटी नहीं आता, वो सरंटी नहीं आता। जनाब काम कीर्तनों में नहीं बनता, काम तो आपके घर में ही बन जाता जब कीर्तन को घर में चला लेते हो। काम तो घर में ही बन जाता, यहां तो बस इंट्रोडक्शन के लिए आया जाता। तू मेरा मैं तेरा, तू मेरा मैं तेरा, पकड़ लो बनवारी, नहीं तो डूब जाएंगे, पकड़ लो हाथ बनवारी, नहीं तो डूब जाएंगे। यहां तक आवाज आनी चाहिए आपकी, नहीं तो, नहीं तो डूब जाएंगे, हमारा कुछ ना बिगड़ेगा, हमारा कुछ ना बिगड़ेगा, तुम्हारी लाज जाएगी, पकड़ लो हाथ बनवारी, नहीं तो डूब जाएंगे। भाऊजी जवाब देना, आप मेरे बुजुर्ग हैं, जवाब देना। एक नौकर एक मालिक के पास 25 साल से नौकरी कर रहा है, आज उस नौकर की बिटिया की शादी है, उसको कुछ एडवांस पैसा चाहिए, सबसे पहले किससे मांगने जाएगा? सबसे पहले मालिक के पास जाएगा, जिसके पास 25 साल से नौकरी कर रहा है। और अगर वो मालिक मना कर दे और उसकी बिटिया की रिश्ते में दिक्कत आ जाए तो बदनामी नौकर की है कि मालिक की है? तो ऐसे ही बाबा हम तो तेरी नौकरी कर रहे हैं, जब भी तकलीफ आई ना, अगर दुनिया ने कहा कि तेरे काम नहीं बनता तो हमें मत बदनामी दियो, बदनामी तेरी होगी। हमारा कुछ ना बिगड़ेगा, हमारा कुछ ना बिगड़ेगा, तुम्हारी लाज जाएगी, पकड़ लो हाथ बनवारी, नहीं तो डूब जाएगी, नहीं तो डूब जाएगी। हमारा हमारा मैं पहली बार दिल्ली कीर्तन करने आया 2004 में पीतमपुरा में, एक भजन गाने का मौका मिला, समझना हर आदमी के दिन होते हैं साहब, एक भजन गाने का मौका मिला, वो भी कब, जब बरसात आ गई। बोले अब कौन गाएगा? बोला वो गाएगा। अच्छा बरसात आई नहीं थी लेकिन मैंने गा दिया, गिरधर मेरे मौसम आया धरती के श्रृंगार का, धाड़ धाड़ पूरी आ गई। अब ये बात क्यों बता रहा हूं मैं, हम रात को 2 बजे कीर्तन से फ्री हुए, मारुति 800 गाड़ी थी 2004 की बात, उस समय ये दिल्ली हाईवे बना नहीं था, 6 लेन सिंगल रहता था, चौटाला साहब की सरकार थी हरियाणा में, तो मारुति 800 में हम 5 लोग, ये पानीपत से पहले हमारी गाड़ी पलट गई, मैं 14 साल का था, मेरी 31 साल उम्र है,
2004 में, मैं 1997 से भजन गा रहा हूँ, 24 साल हो गए मुझे भजन गाते हुए। तो जब गाड़ी पलटी, मैंने बगल वाले को बोला भाई गाड़ी पलट गई, तो वो बोला अच्छा पलट गई, तो तीसरा बोला हाँ भाई पलट गई। अब हम पांचों बाहर निकले, किसी के कोई खरोंच भी नहीं। जैसे ही हम पांचों बाहर निकले, सामने से भीड़ इकट्ठी हो गई, बोला गाड़ी में एक और भी है, एक और भी है। उनको क्या पता कौन था, हमें पता था हमारा कुछ न बिगड़ेगा, तुम्हारी जिसको नाचना वो भी नीचे चले जाओ, आगे पूरी जगह खाली पड़ी है, बाद में ये मिलेगी नहीं। ना गोरे का ना काले का, ना गोरे का ना काले का, घनश्याम मुरली वाले का मैं लाडला, काटू वाले का मैं लाडला, ओ काटू वाले का मैं लाडला, ओ काटू वाले का मैं लाडला, रखने वाले का सबको खुश रखने वाले का, घनश्याम मुरली वाले का, घनश्याम है मुरली वाले का मैं लाडला, खाली करते हैं तो 5-7 मिनट और गाऊंगा, नहीं तो मैं चला जाऊंगा क्योंकि मेरा समय हो चुका है, मैं सिर्फ आप ही के लिए खड़ा हूं। अगर स्टेज खाली कर देंगे तो बेटर है, प्लीज खाली कर दीजिए, नीचे आ जाइए, नीचे आ जाइए, ये भी तो नाच रहे हैं यार है? भारत में राजस्थान है, भारत में राजस्थान है, आज जयपुर जिसकी शान है, जयपुर जिसकी शान है, श्याम मुरली वाले का, श्याम मुरली वाले का मैं
जान है।